श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन। अब वक़्त हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, देखो रूह के नैनन। सब अंग देखो फेर के, प्राणी सुरक्षा अतीत ने हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए सागर ग्रंथ की जो अमृत धारा बहाई है उसकी एक बूंद भी यदि हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए तो ऐसा लगेगा कि कहने के लिए दुखमय संसार है, इस दुखमय संसार में भी हमारे लिए सुख और आनंद का एक अनंत सागर क्रीड़ा करने लगेगा। आज राज्य के श्रृंगार जो तीसरा है उसकी विशेष चौपाई है श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन। श्रृंगार ग्रंथ की पहली चौपाई इससे शुरू होती है कि वर्णन करो रे रुचि हके तुम सिर दिया भार, अर्ज किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार। अर्ज किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार, इसमें दो का श्रृंगार करना है, हमें अपनी आत्मा का भी श्रृंगार करना है और अपना जो प्राणेश्वर है उसका भी श्रृंगार अपने भावों से करना है। एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, दृश्यमान कितना भी सुंदर हो लेकिन जो देखने वाला है उसकी दृष्टि में भेद हो तो दिखाई नहीं दे सकता। हम अपना चेहरा स्वयं दर्पण में देखना चाहें, दर्पण में धूल लगी हो, दर्पण हिल रहा है या दर्पण के ऊपर किसी कागज या किसी ऐसी वस्तु का जो अपारदर्शी हो उसका आवरण कर दिया जाए तो हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते। वैसे ही प्राणेश्वर अक्षरती तो नित्य नूतन श्रृंगार से युक्त है। श्रृंगार की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां सौंदर्य में कोई कमी हो, जो सौंदर्य का अनंत सागर है उसके श्रृंगार की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम जितनी सुंदरता की कल्पना करेंगे राज्य श्यामा जी का श्रृंगार उतनी ही अनंत गुना दिखाई पड़ेगा। अब यह क्यों किया गया, कहा गया है कि श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, क्योंकि हम इस माया के संसार में रह रहे हैं, चाहे माया का संसार हो चाहे परम धाम। आशिक यही चाहता है कि मेरा मासूक नित्य नवीन शोभा से युक्त रहे, उस भावना के आधार पर यह बात कही गई है, अन्यथा राज्य के श्रृंगार में कभी कमी नहीं होती है। और यह भी चीज हमें हृदयंगम करनी होगी कि राज्य श्यामा जी का श्रृंगार हल पल उन्हीं का नहीं, परम धाम की हर परमात्मा का, हर पशु पक्षी का नित्य नूतन ही बना रहता है। नवीनता है लेकिन नवीनता में कोई विकृति नहीं आती, ऐसा नहीं कि पुराने श्रृंगार नष्ट होगा, एक पल में करोड़ों रूप बदल जाते हैं। अब राज्य के उस श्रृंगार को हमने हृदय में बसाना है तो हमें अपना भी श्रृंगार करना पड़ेगा। अपना श्रृंगार कैसे, क्योंकि हमारे अंदर देखने की पात्रता तो हो जाए। इस श्रृंगार को सजाने के लिए हमें आत्मा का श्रृंगार जो प्रेम और समर्पण के आभूषण से सुसज्जित होता है, यदि हमारे पास प्रेम नहीं है राज्य के लिए, समर्पण नहीं है तो दीदार कैसे हो जाएगा। और इसके लिए एक बात कही जाती है कि यदि आपको समर्पण चाहिए तो विश्वास पहले लाना होगा, बिना आकिने इश्क कबू न हुआ किन। यदि आप में विश्वास ही नहीं है तो प्रेम नहीं आएगा, बिना विश्वास के समर्पण नहीं आएगा, बिना समर्पण के विरह नहीं आएगा, बिना विरह के प्रेम नहीं आएगा। हमारे लिए धामधनी ने एक सरल रास्ता बताया है ज्ञान और प्रेम का। ज्ञान हमें दर्शाता है कि जो हमारा प्राणेश्वर अक्षरातीत है वो हर पल हमारे निकट है, प्राण की नली से भी निकट, और वही हमारा एकमात्र है। यदि वाणी का यह रस हमारे हृदय में
बस जाता है तो हमारी आस्था परिपक्व हो जाती है। हम सोचते हैं कि नहीं, संसार के सभी रिश्ते हमें छोड़ सकते हैं, राज्य कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये विश्वास का जो महल हमारा खड़ा होता है उसमें समर्पण की सुगंध तभी से शुरू हो जाती है। जब समर्पण और विश्वास परिपक्व हो जाते हैं तो हृदय तड़पने लगता है उस प्रीतम को पाने के लिए। इसको कहते हैं विरह की अवस्था। और जब विरह की तरफ हम कदम बढ़ा देते हैं तो कहते हैं यहाँ के भावों में कि अब इनको प्रेम हो गया है, इश्क हो गया है, क्योंकि यहाँ मिलन तो अभी हुआ नहीं, इश्क कहाँ से हो। लेकिन जो हमने वाणी में पढ़ा है कि महामती जी को राज्य का श्रृंगार इस रूप में दिखा, हमारे अंदर भी भावना होती है कि हम क्यों नहीं देखें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें चितवनी के पथ पर चलने के लिए वाणी का निर्देश होता है। चितवनी में तीन तरह की साधनाएं हैं। पहली साधना है तन की साधना, दूसरी साधना है मन की साधना, और तीसरी साधना है जीव की साधना। तन की साधना में मैं एक विशेष बात करना चाहूंगा। सुंदर साथ बहुत हल्के में लेते हैं इसको, क्योंकि जब आलस्य मनुष्य के हृदय में बैठ जाता है तो सौ बहाने ढूंढने लगता है। सुंदर साथ का कहना होता है क्या करें, हम तो चलते फिरते राज्य का ध्यान कर लेते हैं। आप सोचिए, चलते फिरते ध्यान होता तो श्री देवचंद जी भी ऐसा कर सकते थे। हम देवचंद जी से तो बड़े नहीं हैं। आपने अभी तक में सुना है कि देवचंद जी बांके बिहारी को भोग लगाते हैं और उसके पश्चात ध्यान करके बैठ जाते हैं। एक दिन चितवनी में उनको दर्शन होता है, वे स्वयं को राधा के रूप में देखते हैं और अखंड ब्रज में पहुंच जाते हैं। कृष्ण के साथ घुगनी का प्रसाद होता है, उसको खाने का प्रयास जैसे ही करते हैं भाव में विह्वल होकर तो हाथ जमीन से टकरा जाता है और जो दर्शन हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। जिस तन में श्यामा जी की आत्मा है केवल हाथ के टकराने से दर्शन से वंचित हो जाती है, तो हम कैसे संभव है कि हम चलते फिरते राज्य को, युगल स्वरूप को, परमधाम के 25 पक्षों को देख लेंगे? ऐसा नहीं है। आपको पहली साधना करनी होगी शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठने की। जब बिना हिलाए डुलाए एक घंटे दो घंटे तीन घंटे का अभ्यास हो जाए तो क्या होगा, आपको शरीर की प्रतीति नहीं रहेगी। और ये मुख्य बिंदु है, मानव तन से परे जब हम हट जाएं, हम स्वयं को परात्म की भावना में रखें। वाणी में एक बार नहीं अनेकों जगह निर्देश दिया गया है कि जो मूल स्वरूप है अपने जागो कहिए परात्म। हमारा मूल स्वरूप क्या है? परात्म। हमने तो मिट्टी का तन यहाँ लिया है, सपने का तन है, और ये सपने का तन हमेशा बदलता रहता है। बचपन में हमारा चेहरा कुछ और था, युवावस्था में कुछ और होता है, बुढ़ापे में कुछ और होता है। मान लीजिए यदि हमारी उम्र 72 साल की हो जाए, 75 साल की हो जाए या 80 साल के हम वृद्ध हैं, हमारे पीठ में भी टेढ़ापन आ गया है, चलते हैं तो हाँफने लगते हैं, सिर के बालों में सफेदी, आंखों पर चश्मा है, कैसे प्रेम होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि तो शरीर की बनी ही रहेगी। इस देहाध्यास शास्त्रीय भाषा में कहते हैं देह की प्रतीति। देह का आभास न होना एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे श्री देवचंद जी को यदि घुगनी का प्रसाद खाते समय हाथ टकराया नहीं होता तो शायद उनको दर्शन का जो सौभाग्य मिल रहा था वो बंद नहीं होता। हम इस तरह से बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करें कि धीरे धीरे हम खो जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो क्या है, अक्षरातीत। हमारी आत्मा परात्म का श्रृंगार सज रही है। शरीर से जब भूलेंगे तभी हम आत्मिक भाव में लगेंगे, अन्यथा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, कमर झुकी पड़ी है, थोड़ी देर में दर्द हो जाएगा, क्या कहेंगे हम, अरे दर्द होने लगता है। पहले तो शरीर भाव हटाइए, केवल जान से भी नहीं हटेगा, जान से भी हटेगा और अभ्यास से भी हटेगा। ज्ञान दृष्टि तो सभी जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन व्यवहार में चरितार्थ करने के लिए जब आप बिना हिले डुले बैठेंगे तो धीरे धीरे शरीर को भूल जाएंगे। हाँ, इस अवस्था में एक
स्थिति ऐसी आएगी कि आपको निद्रा के झोंके लग सकते हैं। यदि आपका आसन सिद्ध हो गया तो जैसे बिस्तर पर बैठने का जो आनंद होता है वही आनंद ध्यान में बैठने का होगा। यदि आपने भोजन की गरिष्ठता बढ़ा दी है, मात्रा से अधिक भोजन किया है, ध्यान भंग हो रहा है तो निद्रा लग सकती है, लेकिन निराश ना होइए। ये झपकी है, इसको योग निद्रा कहते हैं। जैसे ही निद्रा आपकी पल भर के लिए लगेगी, आप निद्रा को तोड़ेंगे तो आपका सीधे ध्यान वहीं पहुंचेगा जहां आप पहले ध्यान कर रहे थे। इसलिए जो तन की जो साधना है इसको कहते हैं आसन सिद्धि। दर्शन शास्त्रों में कहा गया है आसीना संभवात, या इसका अर्थ क्या होता है, जो दृढ़ आसीन नहीं हो सकता, बिना हिले डुले नहीं बैठ सकता, वो ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है मन की साधना। तन की साधना नींव है। किसी मकान की नींव यदि कमजोर हो तो उसे आशा नहीं की जा सकती कि बहुमंजिला इमारत खड़ी हो जाएगी। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही ऊंची मंजिल वाले भवन का निर्माण हो सकता है। यदि आपका आसन ही सिद्ध नहीं होगा, किसी रोग से ग्रसित हैं, आप शांति से बैठ नहीं सकते, तो ऊंचे स्तर की ध्यान साधना कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे समाज में, एक नकारात्मकता का ऐसा माहौल है। पहले तो कोई चितवनी करता नहीं, कोई करने जाता है तो उसको 10 लोग टोकते हैं, अरे क्या कर लोगे, परम धाम के होंगे तो ले जाएंगे राज्य। उससे भी आप बाहर निकलिए, करने बैठते हैं तो कहते हैं अरे बैठ करके क्या करोगे, चलते फिरते चर्चनी याद कर लो, सागर श्रृंगार की चौपाइयाँ याद कर लो, चलते फिरते ध्यान हो ही जाता है। एक चौपाई रट लिए, ना कुछ जोगारम कष्ट, यही चल दिखाई ब्रह्मशिष्ट में, ये ब्रजरास में, ब्रज में। तो आप सोचिए, ब्रज की गोपियों का आप उदाहरण दे रहे हैं, तो ब्रज की गोपियों के सामने उनके कृष्ण थे, उनको आंखें बंद करके ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। जो स्वरूप प्रत्यक्ष दिख रहा हो सवेरे से लेकर शाम तक, चलिए यदि सवेरे से लेकर शाम तक गायों को बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं लेकिन सवेरे तो मिलते हैं, संध्या से लेकर रात तक कृष्ण के साथ गोपियों को मिलना है, तो वो तो भावात्मक प्रेम उनका बना ही रहेगा, उनको आंख बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। इस जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत श्री देवचंद जी के तन में विराजमान होते हैं, मिराज के तन में विराजमान होते हैं, सब सुंदर साथ उनको युगल स्वरूप के रूप में मानकर रिझाते हैं। लेकिन आज मिराज का तन तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसा तन था वो हमें ये भी पता नहीं, युगल स्वरूप इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो हमें अंतःचक्षुओं से तो देखना पड़ेगा, और देखने के लिए अंतर्दृष्टि को खोलने के लिए हमें ध्यान में बैठना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया, और चलते फिरते न ध्यान हुआ है न कभी हो सकेगा। इसलिए स्थिर सुखम आश्रम योग दर्शन कहता है कि स्थिरता पूर्वक सुख से बैठे। दूसरी चीज मन का आसन, मन की साधना, तन की साधना, मन की साधना। मैं अभी कह रहा था आपके पास 15 लाख या 25 लाख की कार है, बहुत अच्छी गाड़ी है, उसका एक तार खराब हो जाए, कहीं टूट जाए अंदर मशीनरी का, तो क्या आपकी गाड़ी चलेगी? तार कितने का होगा? कुछ रुपए का, 100-200 से ज्यादा का तार नहीं होगा, लेकिन उस तार के टूटने से 15-20-25 लाख की गाड़ी एक कदम भी नहीं चल पाएगी। वैसे ही आप इसको हल्के नल में न लीजिए कि तन की साधना के लिए वाणी में कहां लिखा है, वाणी में प्रत्येक वस्तु नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये अक्षरातीत की वाणी है, परम धाम का वर्णन करना है। ये सामान्य रूप से हर कोई जानता है कि किस चीज को कहां से लिखा जाएगा। जब बीतक में दृष्टांत दे दिया गया कि हाथ के टकराने से देवचंद जी को दर्शन बंद हो गया, तो इसे सबको शिक्षा ले लेनी चाहिए कि चितवनी के लिए बिना हिले डुले बैठना आवश्यक है। एक सज्जन बहुत महान है, वो कहने लगे कि वाणी में कहां लिखा है कि आचार न खाओ, श्रीजी तो आचार खाते थे। प्रश्न यह है कि आप श्रीजी तो नहीं है, श्रीजी के स्वरूप में जो महाराज का जीव है, हिमालय का महान योगी पूर्व जन्म का ही है,
उन्होंने पूर्व में ही इतनी साधना कर रखी है कि सारे जीवन में अभी लग करके आप नहीं कर सकते, तो अपनी तुलना हर चीज में उनसे करना। लेकिन महाराज ने तो 6 महीने हफ्ते में विरह में तड़पाया था, वो विरह की अवस्था तो आप 2 दिन भी नहीं ले सकते। मन को साधने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन चंचल है, भागता रहता है। जब आप युगल स्वरूप की शोभा में लगाते हैं तो स्वाभाविक है इस मन के अंदर जो लाखों करोड़ों जन्मों का संसार बसा हुआ है उस संसार के चित्र उभरने शुरू होते हैं। उन लाखों जन्मों में इस बेचारे मन ने काम क्रोध मद लोभ अहंकार में खूब क्रीड़ा की है, विषय वस्तुओं का बोझ ढोता रहा है। वो चित्र जो चित्त में समाहित हैं मन के अंदर उभरने लगते हैं और मन उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। इस तन में भी उसने जितना कुछ देखा है, किसी से बात किया है उस बात की याद आ जाएगी, अब व्यवसाय करते हैं बिजनेस की कोई ना कोई बात मन में आ जाएगी, पढ़ाई करते हैं ज्ञान की कोई ना कोई बात आ जाएगी, इस जन्म का पूर्व जन्म के सारे विचार उसी समय प्रवाहित होने लगते हैं, क्योंकि बाहर इसने देखना बंद कर दिया है। जब बाहर देखना बंद किया तो इसके अंदर जो विचार का द्वंद्व चल रहा है लाखों जन्मों से वो सारे प्रभावित होते हैं। उनको शांत कैसे करें? क्योंकि जब तक बाहर और अंदर के द्वंद्वों से नहीं उठेंगे तब तक संसार से परे कैसे हो जाएंगे? सामान्य सी बात तो कहने को कह दी जाती है कि पिंड ब्रह्मांड से परे होंगे तो प्रीतम मिलेंगे। पिंड को तो हमने देखना बंद कर दिया, ब्रह्मांड को भी देखना बंद कर दिया, किंतु अंदर में जो हमारे पिंड और ब्रह्मांड है इसको मिटाने के लिए मन को शांत बनाना होगा, पवित्र बनाना पड़ेगा, और ये होगा आहार की शुद्धि से। साधना का अर्थ क्या होता है? जब आप किसी से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं तो कहेगा कि हम साधना कर रहे हैं। तो सुंदर साथ इतना कट्टरवादी हो गया है वो भूल जाता है कि जो शब्द वाणी में नहीं है तो क्या उसका कोई प्रयोग ही ना करें। ऐसा नहीं है कि वाणी में साधना शब्द नहीं है। हमारे समाज के विद्वान यदि साधना शब्द की चर्चा न करें तो इसका अर्थ क्या है कि क्या कोई साधना शब्द का प्रयोग ही न करें? साधना का अर्थ क्या होता है? साध्य को पाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं साधना। वाणी में एक चौपाई आती है या वैराग जो साधना, साधना शब्द है। लेकिन हाँ, उनका जो मार्ग था साधना का भटकाव वाला था। संसार में जिन्होंने विध्यान साधनाएं की हैं उन्हें परमात्मा के स्वरूप का पता ही नहीं है। कोई साकार में मन को एकाग्र करने का प्रयास करता है, कोई निराकार में, कोई आकाश में, कोई ज्योतिर्बिंद को लेकर मन को धारणा में बनाता है, कोई सागर की लहरों को लेकर बनाता है। अलग अलग प्रक्रियाएँ रही हैं। वेदांत कहता है कि धारणा किसकी होनी चाहिए? केवल परमात्मा की धारणा होनी चाहिए। परमात्मा के स्वरूप और धाम का पता ही नहीं है तो संसार कहां से ध्यान लगाता? किंतु हम साधना शब्द से ही चिढ़ जाते हैं। कट्टरवाद किसी समस्या का समाधान नहीं होता। हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि हम संसार के सभी लोगों को अपने हृदय रूपी आंगन में स्थान दे सकें, उनके विचारों को सुने और अपने परमधाम की अमृत वर्षा से उनको तृप्त करें। यदि हम कट्टर पंथ का रास्ता अपना लेंगे कि इस शब्द का क्यों प्रयोग कर दिया, ये तो हमारी वाणी में नहीं लिखा है, तो याद रखिए आप वाणी को न फैला पाएंगे, न चितवनी को फैला पाएंगे, न अपनी आत्मा को उसके लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो दूसरी साधना की मैं बात कर रहा हूँ वो है मन की साधना। मन की साधना के लिए आहार की शुद्धि होना आवश्यक है। आहार शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि होती है। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ध्रुआ स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिनां विप्रमुक्ष। स्मृति की प्राप्ति हो जाए तो सभी अज्ञानमय ग्रंथियों से छुटकारा हो जाए। स्मृति क्या है? मैंने एक दिन चर्चा में बोला था, हमें ज्ञान दृष्टि से बताया जा रहा है कि हम परमधाम के रहने वाले हैं ताकि हमारी स्मृति ताजा हो जाए। हम सात्विक आहार करेंगे उतना ही जितना कि शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, तो क्या होगा? हमारी स्मृति
शुद्ध होती जाएगी। स्मृति के शुद्ध होते ही सत्य पुरुषयो शुद्ध साम्यक कैवल्यम। योगदर्शन ने बहुत ऊंची बात की है, सत्य पुरुषयो बुद्धि शुद्ध हो जाए और जीव शुद्ध हो जाए तो कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धि तब तक शुद्ध नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर सात्विक आहार न दिया जाए। कितना भी बड़ा हिमालय का योगी हो, यदि उसको शराब पिलाया जाए और कहा जाए कि समाधि लगा लो तो क्या वो लगा सकता है? आहार ही है जो मनुष्य को राक्षस बनाता है, आहार ही है जो मनुष्य को देवता बनाता है, आहार ही मनुष्य को योगी बनाता है। इसलिए जब तक आप आहार की सात्विकता पर ध्यान नहीं देंगे आपका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है। मैंने जो दूसरी बात कही, तन की साधना के पश्चात मन की साधना। मन भागता है, भागने दीजिए, आप विचलित ना होइए। युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा में आप इसको लगाइए। इसलिए वाणी बार बार कह रही है कि वर्णन किया हक सूरत का रूह देखा चाहे फिर फिर। आत्मा बार बार देखना चाह रही है, यही अर्श दिल रूह के बैठे श्रृंगार कर। अब प्रियतम अक्षरातीत अपने नख से सिख तक श्रृंगार के साथ मासूक को अपने हृदय में बसाना है तो मासूक भी तो सौंदर्य की पराकाष्ठा में ही दीदार देगा। इसके लिए हमें अपनी भी आत्मा का श्रृंगार करना है। जैसे श्रृंगार की पहली चौपाई में कहा है, वर्णन करो रे रोजी हके तुम सिर दिया भार, अर्श किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार। हम अपनी आत्मा का श्रृंगार करें और प्रीतम अपनी आत्मा का श्रृंगार करें, बैठे श्रृंगार कर, यही अर्श दिल रू के बैठे श्रृंगार कर। राज्य अपना श्रृंगार करके बैठे हैं, किंतु यदि हमारे मन में भावना हो कि हम राज्य के अपनी इच्छा के अनुसार श्रृंगार करें तो हमारी इच्छा लेते ही राज्य के श्रृंगार भी वैसा ही दिखने लगेगा। राज्य की शोभा को संसार के वस्त्र और आभूषणों से नहीं तोड़नी चाहिए कि यही सीमा है। महामति जी की आत्मा को जो कुछ दिखा वह उनके जीव के भावों के अनुसार दिखा, क्योंकि वाणी में जो वस्त्र और आभूषणों का वर्णन है अधिकतर गुजरात और राजस्थान में प्रचलित है। तो ऐसा नहीं है कि परमधाम में केवल गुजराती और राजस्थानी आभूषण है, वो तो इस दुनिया के भावों से दर्शा दिया गया है। परमधाम की शोभा को किसी स्थान विशेष की, देश विशेष की भाषा से, वेशभूषा से आप बांध नहीं सकते। पाग होत कई कोट पल में, एक पल में करोड़ों रूप हो जाते हैं। यदि हमारी इच्छा हो कि पाग का रूप न दिखे तो नहीं दिखेगा, जो आप चाहेंगे वही दिखेगा, क्योंकि अक्षरातीत को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। हमारा मन समर्पित हो, भावुक हो, प्रेममयी हो, इसके लिए उस प्रेम के स्वरूप को प्रतिदिन ध्यान में लाना होगा। बैठते बैठते ये मन सध जाएगा। एक बोलचाल में कहावत कही जाती है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। एक रस्सी को बार बार कुएं के मुंडेर से खींचा जाता है तो रस्सी की रगड़ से पत्थर की बनी हुई जो मुंडेर होती है वो भी घिस जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप चितवनी करेंगे और मन आपके बस में नहीं होगा। सुंदर साथ पहले ही धैर्य खो देते हैं, क्या करें मेरा मन ही बस में नहीं होता। मन तो पल भर में भी बस हो सकता है। मन में समर्पण का भाव आ जाए, मन केवल ये सोच ले कि मेरा केवल प्रीतम है और मेरा हृदय उनका है, तो निश्चित है कि इसके बस में देरी नहीं लगेगी। किंतु हमने अपना मन किसी और को दिया होता है, दूसरे को दिए हुए मन से राज्य का ध्यान करना चाहते हैं तो कहां से ध्यान लगेगा। सबसे बड़ी भूल यही होती है। दूसरी चीज जो मैंने मन के बारे में कही है, योग दर्शन में भी कहा है और गीता में भी कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। मन की वृत्तियों का, चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। मन नहीं लगता है राज्य की शोभा में, आप लगाइए। संसार के सुखों की तरह मत देखिए, क्योंकि ये जो सुख है
आपके और प्रीतम के बीच में एक दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं। इनकी जो आसक्ति है, तृष्णा है, आपके मन को और चंचल बना देती है। आप चितवनी कर रहे हैं, आपका मन भागने लगा है, भागते भागते आप स्वादिष्ट भोजन की तरफ चले जाते हैं कि कल मैं ये चीज खाऊं। आप वस्त्र और आभूषणों के बीच में चले जाते हैं कि इतने लाख रुपए होते तो इतना सुंदर आभूषण खरीद लेता, हीरे का हार खरीद लेता। ये क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है। यदि आपका मन केवल राज्य के लिए समर्पित हो गया, केवल राज्य को चाह रहा है कि मेरा हृदय उनका है, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, तो इसको एकाग्र होने में कितनी देर लगेगी? ये है मन की साधना। आहार की शुद्धि कीजिए, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो परिणाम होगा कि चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, बुरे संस्कार दबने शुरू होंगे या जलकर राख होने शुरू हो जाएंगे और आपका मन पूर्णतया शांत होने लगेगा। तीसरी है जीव की साधना। तीन साधनाओं से गुजरना पड़ेगा, तन की साधना आसन सिद्धि, मन की साधना मन का शांत और समर्पित होना, और तीसरा है जीव की साधना, जीव आत्मभाव को ग्रहण कर ले। किसी भी व्यक्ति को जब कहा जाता है कि देखो चितवनी करनी है तो आपको अंगना भाव लेना पड़ेगा, तो उसको पुरुषों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। अंगना भाव का अर्थ क्या होता है? माधुरिता की भावना। यह स्त्री पुरुष का प्रसंग नहीं है। अध्यात्म में आत्मतत्व यही कहता है कि आत्मतत्व को स्त्री और पुरुष की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। स्त्री के शरीर की आकृति कुछ भिन्न होती है पुरुष से, इसलिए उसको कहते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, किंतु दोनों में तो आत्मतत्व एक ही होता है। परमात्मा के नाम वेद शास्त्रों में स्त्रीलिंग में भी है, पुल्लिंग में भी है। जैसे आदित्य और अदिति, वेद में भी यही बात कही गई है। वेद में भी परब्रह्म को युगल स्वरूप के रूप में दर्शाया गया है। जैसे आदित्य और अदिति में क्या अंतर है? आदित्य शब्द पुल्लिंग है, अदिति शब्द स्त्रीलिंग है। सविता और सावित्री, सविता शब्द पुल्लिंग है, सावित्री शब्द स्त्रीलिंग है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। जो आदित्य का अर्थ होगा वही अदिति का अर्थ होगा, जो सविता का अर्थ होगा वही सावित्री का अर्थ होगा, लेकिन एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है। इस आधार पर जब हम जीव भाव को छोड़ें कि न मैं पुरुष हूं न स्त्री हूं, मैं तो परम धाम की आत्मा हूं, और मेरा श्रृंगार क्या है? वही जो एकत्व में होता है, वैद्यत्व में होता है, जो श्यामा जी का श्रृंगार है वो मेरा श्रृंगार है। हम कितने पाप कर चुके हैं, काम क्रोध मद लोभ से ग्रसित हैं, इसका चिंतन न करें। हाँ, चिंतन ये करें कि बुरे विचारों को हम छोड़ें, लेकिन हम निराशावाद में बंध जाएं कि हमसे तो बहुत पाप हो चुके हैं, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम चितवनी नहीं कर सकते, तो ऐसे विचारों को अध्यात्म में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है जिससे कभी कोई पाप ना हुआ हो, कोई बुरे कर्म नहीं हुए हो, या किसी के मन में बुरे विचार नहीं आते हो। प्रत्येक प्राणी के मन में ये स्वाभाविक है, किंतु जब हम उसके निदान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ध्यान की अग्नि में लाखों करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाएंगे। आप सोचते हैं कि कर्म तो भोगना पड़ता है, ये विषय वहां नहीं है। बस इतना कहूंगा, संचित और क्रियमाण समाधि की अग्नि से परमात्मा के साक्षात्कार के पास दग्ध हो जाते हैं, और जो प्रारब्ध होता है वो भी थोड़ा रह जाता है। हाँ, जो सभी जन्मों के जो विकार रूपी पहाड़ हैं वो तो जलकर राख हो ही जाएंगे। हमारा हृदय शुद्ध कब होगा? जब हमारा जीव भाव हट जाएगा, आत्मभाव जागृत हो जाए। और आत्मा को क्या करना है? परात्म का श्रृंगार सजना है, जो मूल स्वरूप है अपने, जागो कहिए पर आत्म, सो परात्म संग लेके विलसीय संग खसम। परात्म के श्रृंगार में ही हमें प्रीतम का दीदार होना है। आप सोचिए, हम मूल मिलावे में बैठे हैं, हिल डुल सकते नहीं, राज्य के सामने बैठे हैं किंतु राज्य को देख नहीं पा रहे हैं, तो यमुना जी में स्नान कौन करेगा?
आत्मा क्या है? परात्मा का ही तो प्रतिबिंब है। जब आप नींद में होते हैं, सपना देखने लगते हैं, तो आपके एक सपने का तन बम्बई में जाता है, जो आपके वास्तविक तन जैसा ही होता है। जो बम्बई में तन गया होता है, सारा काम करता है, लेकिन उसका कोई वजन नहीं है, उसका रूप रंग वास्तविक तन जैसा ही दिखेगा। और उस तन के साथ जो भी होता है वो आपको अनुभव में आता है। उस तन को कोई चांटा मार देता है तो सपने में आप बार बार कहते हैं, जब सपना टूटता है, कि मैं सपने में आज मुंबई गया था, मुझको किसी ने चांटा मार दिया। आप तो सो रहे थे दिल्ली में, आप मुंबई में, आपका प्रतिबिंब रूप गया सपने में और वो चांटा खाया, और सवेरे असल तन बोल रहा है कि मैं तो बम्बई में सपने में गया था, मुझे चांटा पड़ गया। हो सकता है चांटा खाने के बाद आप बिस्तर से उठ करके खड़े भी हो जाए, बाद में बताया जाएगा या आपको आभास होगा कि मैं तो सपने में देख रहा था, वास्तविकता कुछ और थी। आप यही सोच लीजिए कि आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है। इसलिए जीव के स्तर की जो साधना है अहं को समर्पित करने की, वो पापी है या पूर्ण आत्मा ये विषय नहीं है। मेरे जीव सुहागी रे तो क्यों न करे पीसु पहचान। जीव में भी ये भावना आ जाए कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ, वो वाणी के प्रकाश में अपने हृदय को निर्मल की तरह, निर्मलता की तरफ ले चले, समर्पण भावना उसके अंदर आ जाए, विरह के आंसू से वो इतना कोमल हो जाए कि उसको लगे कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं जीव हूँ ही नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये तीन चीज़ों की तैयारी करनी होती है सुंदर साध को। तन की साधना आसन सिद्धि के रूप में, मन की साधना मन को शांत और समर्पित बनाने की, और जीव की साधना आत्मभाव लाने की, विरह की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाने की। यदि आप इन तीन को बढ़िया से क्रियान्वित कर लेते हैं तो आप चितवनी में 80% आपने मंजिल पूरी कर ली। आगे केवल एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नयन नजर भर जी। ये है बैठाओ रूह के अंदर जो श्रृंगार की पहली चौपाई में कहा है, वर्णन करो रे रूह जी हके तुम सिर दिया भार, अर्ज किया अपने दिल को माहे बैठाओ कर श्रृंगार। तीनों साधनाओं के बाद आपकी आत्मा का श्रृंगार होगा। आपने केवल मन में सोच लिया कि मेरी आत्मा परात्मा के प्रतिबिंब स्वरूप है, जैसे श्यामा जी के आभूषण है, तुरंत आपने विचारों के प्रवाह में उसको धारण कर लिया, तो ये श्रृंगार नहीं हुआ। जैसे श्रृंगार करने के लिए स्नान करना पड़ता है, शरीर की मैल हटानी पड़ती है, पहले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, तब आभूषण धारण करने पड़ते हैं, उसी तरह से आत्मा का श्रृंगार करने के लिए तन की साधना से गुजरना पड़ेगा, मन की साधना से गुजरना पड़ेगा और जीव की साधना से गुजरना पड़ेगा। तब आपकी आत्मा का श्रृंगार सज जाता है। आत्मा परात्म के भाव में विचरण करती है, अपनी अंतर्दृष्टि को खोलती है और युगल स्वरूप को साक्षात देखती है। इसलिए अब उसके लिए राजी क्या करेंगे, श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन। जैसा हम सोचते रहे हैं हमारी आत्मा की इच्छा पूरी करने के लिए, राज्य भी नक से सिक तक श्रृंगार सजकर हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। इस प्रकरण की पहली चौपाई ही शुरू होती है, फेर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं त्रिपित। बार बार स्वरूप को देखना है, जितना देखते जाएंगे हमारे नित्य तृप्त नहीं होंगे। संसार की भी यही कहानी है, आप कितना भी खाते जाइए स्वादिष्ट भोजन, जीवा को तृप्ति नहीं होती है। किसी सुंदर वस्तु को देखिए, सुंदरता को देखने से मन तृप्त नहीं होती है, मन को तृप्ति नहीं होती है। हाँ, जब विवेक आ जाएगा तो मन हट जाएगा। काल माया के ब्रह्मांड में विशेषता है कि कोई भी वस्तु लंबे समय तक सुंदर नहीं दिखती और इच्छा होती है कि इसके आगे भी कुछ और होगा। किंतु परम धाम में जो राज्य का स्वरूप दिखेगा उसमें एक विशेषता रहेगी,
हमारी आत्मा सौंदर्य के सागर में डूबते डूबते स्वयं को भूलती जाएगी, लेकिन उस सौंदर्य की थाह नहीं लगेगी। उसको इन शब्दों में प्रस्तुत किया गया है कि नैना हुई नहीं तृप्त, यानी सौंदर्य की कोई सीमा है तब तो तृप्ति मिल गई। जो अनंत सौंदर्य है, उस अनंत सौंदर्य के सागर में हमारी आत्मा एक मछली की तरफ तैरने लगती है, जिधर देखती है उधर सौंदर्य का सागर। राज्य के गालों की तरफ दृष्टि जाती है, होठों की तरफ जाती है, आंखों की तरफ जाती है, माथे पर जाती है, गले में जाती है, वक्षस्थल पर जाती है, तो कभी इच्छा ही नहीं करेगी कि उधर से नजर हटाए। श्रृंगार में तो स्पष्ट कह दिया है, एक अंग छोड़ जाए और लगे सो नहीं असिक्को काम। वो प्रीतम का प्रेमी नहीं कहला सकता, वो परमधाम की ब्रह्मात्मा ही नहीं, उसको आसिक कहलाने का अधिकार ही नहीं जो एक अंग की शोभा को छोड़ करके दूसरी में लग जाए। अब प्रश्न ये होता है, जब प्रत्येक अंग सुंदर है तो वस्त्र और आभूषण की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हम इस दुनिया में बैठे हैं, इस दुनिया में शरीर में उतनी सुंदरता नहीं होती है जितनी सुंदरता वस्त्र और आभूषण से होती है। किसी का भी शरीर हीरे से ज्यादा सुंदर तो होगा नहीं, सोने से ज्यादा लालिमा वाला भी नहीं होगा, सोने से और हीरे से मोतियों से ज्यादा सुंदर नहीं होगा। तो इस संसार में जब हम हीरे मोती माणिक पन्ना पुखराज से अपने शरीर को सजाते हैं तो हमारे शरीर की शोभा बढ़ जाती है। परमधाम में इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस दुनिया में बैठे हैं इस दुनिया के भावों से ये वर्णन किया जाता है वस्त्र और आभूषणों का। नग्न व्यक्ति कभी अच्छा नहीं लगता, परमधाम में तो अक्षरातीत का नूरी स्वरूप है, वहाँ नूर के ही वस्त्र हैं, नूर का ही आभूषण है, और वो सारे नूर राज्य के हृदय से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए काल माया के ब्रह्मांड में बैठकर वहाँ के वस्त्र और आभूषणों की कल्पना नहीं करनी चाहिए। किंतु फिर भी हमारा मन तो इस दुनिया का है। अब जब सागर श्रृंगार में या परिक्रमा में नगों का जवाहरातों का वर्णन किया जाता है तो जिन सुंदर साथ की रुचि हीरे मोती आदि जवाहरातों में होती है उनकी सारी बुद्धि का कौशल इसी में लग जाता है कि अंगुलियों में कितने नग हैं, कितनी अंगूठियां हैं, और एक एक अंगूठी में कितने जवाहरातों के नग जड़े हैं। अरे भाई, यदि 10 लिखा है तो 20 आप नगों की कल्पना कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। एक एक रंग में अनंत अनंत किरणें निकलती हैं, एक एक किरण से अनंत अनंत तरंगे निकलती हैं। जिस परमधाम में ऐसी शोभा है उसको इस दुनिया के हीरे मोती माणिक पुखराज से मत समझिए, वो तो हमारी बुद्धि को केवल एक शांत कराने के लिए राज्य ने कह दिया है कि इसमें तुम्हारी बुद्धि उलझती है तो लो, इसी बहाने भी तुम चितवनी तो करो। श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब वक्त हुआ देखन का, देखो रो के नैनन। अब आपको देखने का समय हुआ, लेकिन देखेंगे कैसे? नैनन, रूह के नैनन, आत्मा की आंखों से। इस पांच तत्व के हमारी जो आंखें हैं ये उस अनंत सौंदर्य को नहीं देख सकती। आत्मा के नेत्रों से देखने के लिए ही मैंने कहा है कि पहले तन की साधना कीजिए, मन की साधना कीजिए, जीव की साधना कीजिए। जब तीनों साधनाएं पूरी हो जाती हैं, जीव में आत्मभाव आ जाता है और आत्मा में परात्म भाव आ जाता है, तो ये है आत्मा का श्रृंगार। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया खिताब। आप देखिए, आपका हृदय अतिशय कोमल हो जाए, किसी दूसरे सुंदर साथ के दुख में आप शामिल रहें, उसके दुख से आप दुखी, उसकी खुशी से आप खुशी हैं, तो समझ लीजिए आप एकत्व के रास्ते पर चल पड़े हैं। मैंने देखा है जब किसी सुंदर साथ का धाम गमन होता है, ले जाते हैं श्मशान में, जला करके आते हैं, जल्दी से भोजन पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि भोजन करके तुरंत अपने अपने घरों में निकलना होता है। शोक सभा होती है, केवल औपचारिकताएं, आते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत मुश्किल से समय निकालते हैं और जल्दी जल्दी
कहते हैं कि जल्दी कार्यक्रम समाप्त करो, अभी मुझे अमुक काम पर जाना है। मैं सोचता हूँ काम तो सबको करने होते हैं, लेकिन किसी सुंदर साथ के तन छोड़ने की कोई इनके लिए अहमियत ही नहीं है। ये जाएंगे अपने काम में लग जाएंगे, और ये जाने वाले ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन उनका भी यही हाल होगा। हमारा हृदय कितना निष्ठुर हो चुका है, हमारे अंदर संवेदना नहीं, हम केवल अपने ही सुख को देखते हैं, अपने परिवार से सीमित हैं, खानदान से सीमित हैं, अपनी बिरादरी से सीमित हैं, आगे पढ़ते हैं तो अपने क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं। हमारे अंदर आत्मभाव आया ही नहीं। मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया खिताब। एक सज्जन आए थे सुंदर साथ, ज्ञानपीठ में कार में बैठे थे, कार में बैठे बैठे उनकी असावधानी से ज्ञानपीठ का एक बच्चा उनके पहिए गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। गाड़ी में बैठे मुस्कुरा रहे हैं, पहिया चढ़ा दे रहे, इतना भी नहीं कि गाड़ी से बाहर निकलकर उस बच्चे को उठाएं, कुचलते हुए मुस्कुराते हुए चले गए। आप सोचिए, उन्होंने क्या पाया? यही देखा कि ज्ञानपीठ में गरीब घर का बच्चा होगा, यदि उनका बच्चा पहिए के नीचे आ जाता तो क्या वैसे ही कुचलते हुए चले जाते? और दुख की बात है कि वो सज्जन मुस्कुराते हुए चले गए। पैसे वाले थे, इससे सम्मान तो हर जगह मिलेगा, लेकिन राज्य के दरबार में ऐसे व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होगा। यदि आपका हृदय इतना क्रूर है कि आप किसी बच्चे को कुचलते हुए जा सकते हैं, तो आप करोड़ जन्म भी आंखें बंद करके ध्यान किए रहिए, आपको कुछ नहीं मिलना है। आत्मा का श्रृंगार करने के लिए मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया किताब। आपको अपने हृदय, जीव के हृदय की कठोरता को समाप्त करना पड़ेगा। जीव में केवल अपने सुख के बारे में जो सोचने की प्रवृत्ति है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। आप आरती गाते हैं तो कहते हैं कि तनमन जीव निछावर किन्नो महामत चरणो लाग। आप तन से दो घंटा एक घंटा भी शांति से बैठने के लिए राजी नहीं, मन प्रीतम को देना नहीं चाहते, क्योंकि मन तो आपने या तो पति को दे रखा है, या पत्नी को दे रखा है, या पोते पोतियों को दे रखा है। बुढ़ापे में भी आपका सारा ध्यान पोते पोतियों पर लगा रहता है, रिश्तेदारों में लगा रहता है, संसार के रिश्तों में आप उलझते हैं। आधे घंटे के लिए आंख मूंद लेते हैं, कहते हैं कि राज्य ही दर्शन नहीं देते हैं, चितवनी में कुछ नहीं रखा है। चितवनी तो आत्मा का हार है। जब तक आपकी आत्मा के नेत्र नहीं खुलेंगे, आपका प्राणेश्वर कैसे दीदार देगा? वो तो आपकी आत्मा के धाम हृदय में ही बसता है, कहीं दूर नहीं बैठा है। जो परम धाम आप सोचे बैठे हैं, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, ये संसार के लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। वाणी क्या कहती है? ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलोप। परम धाम ये नहीं है, बेहद के पार नहीं है, ज्ञानियों के लिए बेहद के पार है। प्रीतम के प्रेम में चलने वालों के लिए कलयुगे मोमिन अर्श मनस्थ। कुरान की एक आयत में कहा गया है कि ब्रह्मात्मा का हृदय ही धाम है। इसलिए तो सामवेद का पहला मंत्र यही पुकार करके कह रहा है, हे प्रीतम परब्रह्म, तुम मेरे हृदय मंदिर में आ जा। हृदय में पुकारिए, अपनी भावनाओं को प्रीतम के प्रति समर्पित आपने कर दिया है। आपकी आत्मा का जब तक श्रृंगार नहीं होगा, आपके सामने अक्षरातीत रहेंगे, कैसे दीदार देंगे? दर्पण पर ही जब तक मैल पड़ी रहेगी, अब बार बार चेहरा दर्पण में देखिए, कहां से प्रतिबिंब दिखेगा? इसलिए सुंदर साथ को यह समझना होगा कि राज्य किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। राज्य यदि महामती जी को हफ्ते में दर्शन दे सकते हैं, श्री देवचंद जी के सामने प्रकट हो सकते हैं, तो आपको भी दर्शन दे सकते हैं, नहीं देंगे, तभी तो वितक में कहा है आप देखो औरों को दिखाओ। वाणी ने डिंडिम घोष के साथ कहा है, लाओ प्यार करो दीदार। प्रेम ही हमारे पास नहीं है, हमारा प्रेम तो संसार में बटा पड़ा है,
मित्र को हम देख लेते हैं, सखी सहेलियों को देख लेते हैं, हमें कितनी खुशी होती है। हम सांसारिक उपलब्धियों के पीछे भागते फिरते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन राज्य के लिए मुश्किल से 1 घंटे भी कोई नहीं मुश्किल से निकालता है। कमियां हमारी है, हम अपनी आत्मा का श्रृंगार नहीं करेंगे तो आत्मा के धाम हृदय में होते हुए भी राज्य हमें दीदार नहीं देंगे। सामने प्रीतम बैठा है, लेकिन यदि हमारी आंखें बंद हो तो कैसे देखेंगे। अंत चक्षुओं को खोले बिना, क्योंकि इस चौपाई का चौथा चरण क्या कह रहा है, देखो रूह के नयनन, आत्मा के नेत्रों को खोला ही नहीं तो कैसे देखेंगे राज्य। तन की साधना करेंगे तो आपके अंदर आत्मा का भाव आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं। मन की साधना आप करेंगे तो ये मन समर्पण की भाषा सीखना चाहेगा। तन मन की जब साधना पूरी हो जाएगी तो जीव आत्मभाव लेगा व्यवहार में। ज्ञान से तो हर कोई प्रवचन दे सकता है कि हम परम धाम से आए हैं, ब्रज में आए थे, रास में आए थे, हमने रब्द किया था और जागने के ब्रह्मांड में आए हैं, राज्य ले जाएंगे। सुनी सुनी बात, पढ़ी हुई बात तो हर कोई दोहरा सकता है, लेकिन ये आत्मभाव नहीं, चित्वनी क्रियात्मक प्रक्रिया है। तन से परे होइए तन की साधना करके, मन से परे होइए मन की साधना करके, जीव भाव से परे होइए जीव की साधना करके, आत्मा के अंदर परात्मा की भावना भरिए, तब ये हो गया आत्मा का श्रृंगार। और ऐसी अवस्था में प्रेम का झोंका आता है, हमारी आत्मा के चक्षु खुल जाते हैं, तब ये बात कही जा रही है, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नयनन। अब देखने का समय आ गया है, सुंदर साथ देखें। हमारा प्रियतम नख से सिख तक श्रृंगार सज करके बैठा है, कहीं दूर नहीं बैठा है, मासूक बैठे इत जाहिर पर दिल न लगे इत। मासूक मुख देखन को हाय है नैना ना तरसत। अनादिकाल से हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसता था प्रीतम, परम धाम में भी परात्मा के हृदय में बसता था, ये बात मालूम ही नहीं थी परम धाम में कि हमारे हृदय में राज्य रहते हैं। ब्रज में भी नहीं पता चला था, क्योंकि ब्रज की तो सारी लीला निद्रा की थी। रास में भी नहीं पता चला था, तभी तो पूरे वृंदावन में खोल डाला था। जागने के ब्रह्मांड में भी श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में पूरी तरह से पता नहीं चल पाया था। यदि पता चल गया होता तो गादीवाद प्रारंभ ही नहीं होता। सबने क्या समझा कि देवचंद जी महाराज के जो सुपुत्र हैं उनको गादी पर बैठा दिया जाए, तो गादी में सब लोग खोजने लगे थे। आज भी यही पढ़ाया जाता है कि जो गादी पर जो बैठता है, देवचंद जी की गादी पर जो बैठेगा वो देवचंद जी का स्वरूप होगा, जो प्राणनाथ जी की गादी पर बैठेगा वो प्राणनाथ जी का स्वरूप होगा। तो प्रश्न यह है कि देवचंद जी और प्राणनाथ जी को आपने कोई गादीपति बना लिया क्या, उनको आचार्य बना दिया? जैसे दुनिया के आचार्य होते हैं, वैसे ही आपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को आचार्यों के स्तर पर रख दिया, गादीपतियों के स्तर पर रख दिया, और एक बढ़ई ने तखत बना दिया, दर्जी ने गद्दा सील करके रख दिया, उस पर कोमल वस्त्र बिछा दिया, उसको आपने गादी की संज्ञा दे दी और कह देते हैं कि उस पर जो बैठ जाएगा वो उनके बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं, यदि ऐसा करना होता तो जो अरबों खरबों पति हैं वो आसानी से गादियाँ बना बना करके सब कुछ बन जाते। इन जड़ पदार्थों में भटकने से कुछ नहीं होगा, गादियों के पीछे भटकने से आपकी आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर तले अर्श ने कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूप, आपकी आत्मा का हृदय ही धाम है, आपका प्राणेश्वर आपके हृदय मंदिर में बसता है। तभी महामती जी की आत्मा बार बार कह रही है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदयेश्वर, आप अखिलेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, प्राणेश्वर हैं, प्राणवल्लभ हैं, प्राणजीवन हैं, प्राण प्रीतम हैं, प्राणनाथ हैं। आप अखिलेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, संसार के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो आप मेरे हृदय के प्रीतम हैं, हृदयेश्वर हैं। आप मेरे हृदय को छोड़कर एक पल के लिए न कभी अलग हुए थे, न हैं, न कभी हो सकेंगे। ब्रज में भी आप साथ थे, लेकिन हमारे पुनीत का आवरण था। रास में भी थे, जागनी के ब्रह्मांड में भी थे। महामती जी के धाम हृदय से ही निकल करके युगल स्वरूप
उनको हफ्से में दर्शन देते हैं। जब वाणी उतरती है तब तो हमें पता चल रहा है कि हक नजीक शहरक से आड़ो पटने द्वार, इसके पहले अनादिकाल से लीला चलती आ रही है, ये बात हमें पता नहीं थी। इस जागनी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जिसको थोड़ा सा कष्ट मिलता है रोना शुरू कर देता है। मेरा जी क्यों लाए दुनिया में? परम धाम में बहुत आनंदमय थे। परम धाम का आनंद जो है कभी कम नहीं होगा। लेकिन ये बताइए, क्या आपको ये मालूम था परम धाम में कि हक नजीक सहरक से है? राजी हमारे प्राण की नली से निकट हैं, ये बात परम धाम में मालूम नहीं थी। तुम रूहे मेरे तन हो, क्या ये बात मालूम थी? हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब, क्या ये बात मालूम थी? क्या हमें ये बात मालूम थी कि हम अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं? तुम रूहे नूर मेरे तन का, ये सब बातें कुछ नहीं मालूम थी। बस इतना मालूम था कि हम राज्य की अंगना है, उनको रिझाती हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मालूम था। ये भेद बताने के लिए राज्य ने यह खेल किया है। इसे मैं कभी भी नहीं कहता कि राज्य से कि राज्य खेल समाप्त करो, हमें बहुत दुख हो रहा है। उसकी रजा में ही तो हमारी रजा होनी चाहिए। खेल कब समाप्त करना है ये उनका विषय है, हमारा विषय है अपने अपनी आत्मा का श्रृंगार करना, ताकि हम अपने आत्मचक्षुओं से जी भर करके देख सकें। और यही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होना चाहिए। दुर्भाग्य से 40 लाख की संख्या का यह सुंदर साथ चितवनी से दूर हो गया। मैं जब 70-80 साल के भी सुंदर साथ को वही प्राइमरी की क्लास में देखता हूँ, वही परिक्रमा, वही पूजा, वही पाठ, वही जप, तो मेरा हृदय पीड़ित होता है कि बेचारों की उम्र तो अब पूरी हो गई है, पैर तो कब्र में लटके हैं, कब पक्षी उड़ जाए, इनको चितवनी की तरफ कौन ले जाएगा, कौन बताएगा कि अपनी सुरता एक राखी मूल मिलावे माए। इसका प्रारंभ तो 15 साल की अवस्था से ही हो जाना चाहिए। आप घरों में जो आपके बच्चे हैं 15 साल के, उनको आप चितवनी सिखाइए। जो उससे कम उम्र के बच्चे हैं उनको सेवा पूजा के लिए कह दीजिए। आप कर्मकांड के जाल में इतने फंस गए हैं कि कहीं बाहर कार्यक्रम हो तो भी नहीं जा सकते कि मैं चला जाऊंगा तो राजी को भोजन कौन कराएगा। सर्वशक्तिमान को आप भोजन नहीं करा सकते। जिसके सतंग के इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, उनको आप भोजन क्यों कैसे करा सकते हैं? हाँ, भावात्मक रूप से आप कहीं भी खा रहे हैं तो आप अपने भोजन को समर्पित कर दीजिए। राजी तो प्रेम के भूखे हैं। आपके बाहरी जाहिरी रूप से जो थाल रखेंगे उसका कोई महत्व नहीं है उनके लिए। आप हर पल उनके प्रेम में खोए रहिए। खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मीठत प्यास। एक ब्रह्मात्मा का खाना पीना, खाना दीदार इनका, राज्य का दीदार ही इनका भोजन है। यासो जीवे लेवे सांस, क्योंकि राज्य के दीदार से ये जीती हैं इस संसार में और सांस लेती हैं। राज्य का दीदार ना मिले तो परमधाम के ब्रह्मात्मा इस शरीर को रखेंगे ही नहीं। इतनी बड़ी चितवनी की महत्ता है, लेकिन सुंदर साथ को चितवनी से ही दूर कर दिया गया। खाना पीना खिनखिन लिया प्यार अर्शरोहन, पल पल मासूक देखना यही आहार आसकन। आज चितवनी पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। चितवनी कहीं इक्के दुक्के कोई करते हुआ दिखता है। मुझे लगता है 40 लाख की संख्या में 1 लाख भी सुंदर साथ अभी चितवनी नहीं कर रहे हैं। 1 लाख क्या, 50,000 भी नहीं कर रहे हैं। 50,000 में भी यदि 1,000 सुंदर साथ सही तरीके से चितवनी कर रहे हों तो मुझे बहुत खुशी है। इसलिए आज मैंने चितवनी के सार तत्व को दर्शाया कि तन की साधना क्या है, मन की साधना क्या है, जीव की साधना क्या है। ये तीनों केंद्र में है, चितवनी का आधार है ये तीनों सूत्र। यदि इसको हम दृढ़तापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो बाजी हमारे हाथ में आ जाएगी। तन की साधना के साथ ही हमने समझ लीजिए 30% काम कर लिया। मन की साधना पूरी होते ही 60% काम हो गया। जीव की साधना पूरी होते ही 90% काम हो गया। केवल 10% जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नए नजर भर जी,
के राज्य की कृपा पर हो जाता है, केवल 10% और 90% आपने अपना काम कर लिया और राज्य तो पल में मेहर बढ़े कोट गुनी सो क्यों मेरे मेहर मपाए। हम राज्य की मेहर को चाहते हैं केवल गोटा लेकर के पढ़ने के आधार पर कि मेहर सागर का पाठ कर लिया राज्य की मेहर हो जाए। और मेहर भी क्या, एक फैक्ट्री है राज्य, एक दूसरी फैक्ट्री और लगवा दीजिए, चार गाड़ियां हैं चार और गाड़ियां हो जाए, 10 करोड़ की संपत्ति है 20 करोड़ की हो जाए, ये कोई मेहर नहीं है। मेहर तो कुछ और है। अक्षरातीत का हृदय आठों सागरों के रस को आपके हृदय में उड़ेल दे, इससे बड़ी मेहर और क्या होती है। आप झूठी वस्तुओं के पीछे गोटा लेकर, आपको यही सिखाया गया है कि मेहर सागर रट लो, पाठ करते रहो, तारतम का 5 बार पाठ कर लो, चरणामृत प्रसाद ले लो, आखिर ये सारी उम्र क्या यही करने के लिए आप आए हैं। वाणी कह रही है, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, राज्य के दीदार का समय है और इसके लिए क्या क्या करना होगा। धामधनी ने पहले इस चौपाई से पहले के चौपाई में कह दिया है, यही अर्श दिल रूह के बैठे सिंगार कर, कितनी ऊंची बात है, यही अर्श दिल रूह के, आत्मा का हृदय ही उसका धाम है जिसमें सिंगार करके उसकी प्रीतम बसते हैं। आप सोचिए, आप किसी झोपड़ी में रह रहे हैं, कंगाल परिवार से हैं, कुरूप आपका तन है, अनपढ़ भी हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि आप परमधाम की ब्रह्मात्मा भी हैं। आप संसार में हे दृष्ट देखे जाते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए कि मैं गरीब घर का हूँ, छोटे समाज का हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, राज्य नहीं मिल सकते। राज्य को अरबोपति से या गरीब से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो अपनी आत्मा से लेना देना है। कोट राज बैकुंठ के नावित इतके खिन समान, करोड़ों बैकुंठ के राज्य राज्य के एक पल के दीदार के सम्मुख कुछ भी नहीं है। तो राज्य को धन संपदा से मत तोला कीजिए, आप अपने आत्मा का बल बढ़ाइए, आत्मबल पर स्वयं को केंद्रित कीजिए, मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ, प्रीतम का दीदार मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और जीवन का अंतिम लक्ष्य, पहला और अंतिम लक्ष्य है, इसको पूर्ति करके ही मुझे रहना है। यदि आप आत्मभाव में जागृत होंगे तो चलते फिरते उठते बैठते आपकी आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम की छवि बसी रहेगी। इसलिए कहा है, वर्णन किया हक सूरत का, रूह देखा चाहे फिर फिर, यही अर्श दिल रूह के बैठे सिंगार कर। राज्य कहीं परम धाम की बात नहीं हो रही है। आप जब जीव भाव की साधना पूरी कर लेंगे, आत्मभाव में केंद्रित हो जाएंगे, परात्मा के भावों को बसा कर अपनी आत्मा का श्रृंगार कर लेंगे, तो आपकी आत्मा के धाम हृदय में आपका प्रियतम नख से सिख तक श्रृंगार सज करके विराजमान हो जाएगा और आपकी आत्मा के चक्षु अपने हृदय मंदिर में देख देख करके तृप्त होने लगेंगे। उस समय के लिए ये चौपाई कही जाती है कि श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, देखो रूह के नैनन। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ जिनके पास भी मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, अब जो भी समय गुजर गया है उसको पश्चाताप करने से ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होगा। जो भी समय बचा है आपके जीवन में, उसको तन की साधना, मन की साधना और जीव की साधना में लगाइए। प्रतिदिन चितवनी कीजिए, शरीर के भोजन से अधिक आवश्यक है चितवनी, जो आपकी आत्मा का आहार है। और जब आप चितवनी में डूबने लगेंगे, आपके अंतरात्मा से स्वतः आवाज आएगी कि इससे बड़ा कोई धन न था, न है और न कभी होगा। चितवनी कीजिए, दूसरों को भी उस मार्ग पर ले चलिए, स्वयं प्रीतम का आनंद लीजिए और सारे ब्रह्मांड के लिए उस आनंद की अमृत धारा को खोल दीजिए। बेचारा ये ब्रह्मांड माया से पैदा हुआ है, ये तो अक्षरातीत के बारे में जानता भी नहीं। आपका यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि आप अपने जीवन की आयु की एक एक मिनट की बचत कीजिए और इस महान पुण्य कार्य में सहयोग दीजिए। संसार में वाणी फैलाइए, परम धाम की चितवनी फैलाइए और सारे संसार के जीवों की अखंड मुक्ति के लिए सबको चितवनी के पवित्र मार्ग पर ले चलिए।
मैं आशा करता हूँ सुंदर साथ मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे।